दोस्तों, अगर आपके पास भी एक छोटा कैपिटल है इन्वेस्ट करने के लिए फॉरेक्स में, या फिर आप छोटे छोटे अकाउंट को ब्लो अप करके थक चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को आखिरी तक पूरा देखिए, जिसमें आपको वो टिप्स मैं शेयर करने वाला हूं जो कि मैक्रो लेवल पर आपको आपके छोटे इन्वेस्टमेंट को, यानी अगर $100, $200, $500 या फिर $1000 का आपका जो अकाउंट है, जिसे आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार खो चुके हैं, या फिर वो पूरा अकाउंट साफ हो चुका है, आप बार बार फिर से $200, $500 डालते हैं और उसके बाद दो तीन महीने में फिर से साफ हो जाता है, अगर आप उस छोटे से अकाउंट को ग्रो करना चाह रहे हैं, तो आज की ये वीडियो केवल आपके लिए है। हे गाइस, वेलकम बैक। यह है लास्टली स्पोकन और एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप एक बिगिनर हैं या फिर फॉरेक्स मार्केट में लॉस कर करके थक चुके हैं और एक छोटा सा कैपिटल आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट के लिए एक बड़ा सा अकाउंट नहीं होता। हर कोई $50,000 या फिर 1,00,000 का या फिर उससे ज़्यादा अकाउंट लेके नहीं आता फॉरेक्स मार्केट में। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, बिगिनर हैं, फॉरेक्स मार्केट में शुरू कर रहे हैं या फिर एक दो साल से फॉरेक्स सीखने की कोशिश कर रहे हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि आपने लॉस किया होगा। और केवल लॉस छोटा मोटा नहीं, हो सकता है कि आपका पूरा अकाउंट साफ हो चुका हो, एक बार नहीं, बहुत बार, जो कि मेरे साथ भी हुआ। ऑलराइट, आज की इस वीडियो में वो 5 स्मॉल टिप्स मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ, जो मैक्रो लेवल में आपकी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करेगी और आपके छोटे अकाउंट को एटलीस्ट साफ होने से बचाएगी। सो, पहला पॉइंट हमारे पास है फाइंडिंग अ गुड ब्रोकर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपका फॉरेक्स ब्रोकर जो है, समझ रहे हैं आप, वो एक अच्छा ब्रोकर हो, मतलब उसका स्प्रेड कम हो पहली बात, ठीक है, और उसकी सर्विसेज अच्छी हो, आपका ब्रोकर मैनिपुलेट ना कर रहा हो, क्योंकि जो मार्केट मेकिंग ब्रोकर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं, कुछ ब्रोकर्स हो सकते हैं वो मैनिपुलेट भी कर रहे होते हैं, राइट। वो क्या करते हैं, आपका स्टॉप लॉस जहाँ पर है वो एक स्पाइक में, बड़ी सी स्पाइक में आपका सारा साफ करके चले जाएंगे, या फिर कुछ ब्रोकर्स होते हैं जहाँ पर आपके पास माइक्रो लॉट्स पर ट्रेड करने की फैसिलिटी नहीं होती। तो अगर आपके पास $100 या $200 का आपका अकाउंट है, तो वहाँ पर अगर आप मिनी लॉट, एक भी मिनी लॉट लेते हैं, तो वहां पर आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है, राइट। तो उस हिसाब से आप ट्रेड $100 या $200 के अकाउंट में नहीं कर सकते, अगर आपका ब्रोकर आपको माइक्रो अकाउंट नहीं प्रोवाइड कर रहा है, या फिर उसका स्प्रेड बहुत ज्यादा है, या फिर वो मैनिपुलेशन कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपको कंसिडर करनी होगी एक ब्रोकर चूज करने से पहले। मेरी रिकमेंडेशन में कुछ ब्रोकर्स हैं जिन्हें मैं पर्सनली भी यूज़ करता हूँ। पहला हो गया एक्सनेस, जो कि अच्छा ब्रोकर है, और दूसरा हो गया ऑक्टाफेक्स, जिसने रिसेंटली एक ईसिन अकाउंट जो है लॉन्च किया है, जो कि बहुत टाइट स्प्रेड में आपको ट्रेडिंग करने का जो है मौका देता है, या फिर एक्सएम ब्रोकर जो है वो भी एक अच्छा ब्रोकर है। तो ये कुछ रिकमेंडेड ब्रोकर्स हैं जिन पे आप एज ऑफ नाउ मार्केट सिचुएशन के हिसाब से ट्रस्ट कर सकते हैं, और इनका जो बैकग्राउंड है वो भी अच्छा खासा है। मेक श्योर कि अगर आपके पास एक छोटा कैपिटल है, तो आप मैक्रो लेवल पे सोचिए, केवल ट्रेड लेवल पे मत जाइए, अभी बड़ा सोचिए। तो ये चीज़ें हैं जो आपके अकाउंट को साफ करने में, तो मेक श्योर कि आप एक सही ब्रोकर का चुनाव करें फॉरेक्स मार्केट में इन होने से पहले, राइट। सो नाउ बात करते हैं अगले पॉइंट की। ऑलराइट गाइज, अगला पॉइंट है स्टार्ट कंपाउंडिंग। गाइस, $100 के अकाउंट को अगर आप 1,000,000 पहुंचाना चाह रहे हैं, तो वो लगभग इम्पॉसिबल सा काम है। मैं ये नहीं कह रहा है कि वो 100% नहीं हो सकता, 0.1% चांसेस हैं ऐसा करने के, क्योंकि ट्रेडिंग में बहुत सारे डायनेमिक्स होते हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, हमारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है वो डिपेंड करता है, राइट। अगर हम एक बिगिनर होते हैं, हमारा ख्वाब होता है कि हम $100 को 1,000,000 पहुंचाना चाह रहे हैं, तो ये जो एक्सपेक्टेशन है ये कहीं ना कहीं रिलेट नहीं करती हमारे गोल से, हमारे जो कैपिटल से, हमारा जो कैपिटल है और हमारा जो एक्सपेक्टेशन है, इन दोनों के बीच कोई भी कोरिलेशन नहीं है। ऑलराइट, सो कंपाउंडिंग से मेरा मतलब है गाइस, आपने $100 से ट्रेड करना स्टार्ट किया, ठीक है,
आप $100 से प्रॉफिट लेते हैं $50 का, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, आपने प्रॉफिट ले लिया। अब उस प्रॉफिट को विड्रॉ करने की जगह आप अगले महीने या अगले एक हफ्ते में उसमें फिर से $50 या $100 जितने भी है कंपाउंड कीजिए। अगर आप एक सैलरीड हैं, मान लेते हैं अगर आप सैलरीड हैं और एक तारीख को आपकी सैलरी आती है और आप $500 जो है या फिर आपके कैपिटल के हिसाब से जितना भी अमाउंट आप उसमें ऐड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं $100 लेता हूं, ठीक है, $100 का डिपॉजिट आप करते हैं और अगले एक महीने तक आप ट्रेड करते हैं बहुत स्मार्टली अपने कैपिटल को बचाकर, ठीक है। अब उसमें जो माइक्रो लेवल पे क्या टिप्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, फिलहाल इस वीडियो को देखिए क्योंकि ये मैक्रो लेवल पे आपके हेल्प करने वाली है। अब जो छोटी छोटी चीजें हैं वो नेक्स्ट वीडियो का पार्ट टू आएगा, उसमें आपको बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे किस तरह से आप छोटे अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं। नाउ अगर आपने प्रॉफिट लिया, उस प्रॉफिट को निकालने की वजह आप अगले महीने के लिए फिर से ये प्लान कीजिए कि आपको एक तारीख को एटलीस्ट इतना अमाउंट, अगर $100 का इस महीने आपने डिपॉजिट किया तो नेक्स्ट मंथ में फिर से आप उसमें $100 या $50 जो है डिपॉजिट कीजिए। अब आपका ट्रेडिंग जो कैपिटल हो वो $100 नहीं होगा, वो 150 प्लस आप $100 और उसमें बढ़ा रहे हैं, यानी 250 होगा। 250 अगर आपका कैपिटल है तो अभी तक जो आप 1% का रिस्क ले रहे थे $1 का, अब आपका 1% का रिस्क होगा $250 का। और इस तरह से आप 5 या 6 महीने में इस तरह से आप कंटिन्यू कीजिए, कंपाउंड कीजिए। कंपाउंडिंग बोलते हैं जो रिटर्न आ रहा है उसको विड्रॉ ना करके उसी से दोबारा से कंपाउंड करना, उसी पे ट्रेड करना, राइट। जैसे आपने $200 पे प्रॉफिट किया $200 का, तो 200 निकालने की बजाय आप $400 से ट्रेड करेंगे, यानी $400 के बाद अब आपका रिस्क टेकिंग जो कैपेसिटी होगी वो होगी $4 की, अगर आप 1% का रिस्क लेते हैं। और अगर आप 1:2 का रेशियो फॉलो करते हैं तो $4 का रिस्क का मतलब है कि अब आपका प्रॉफिट होगा हर ट्रेड में $8 का। ये होती कंपाउंडिंग। एक साल तक आप इस तरह से कंपाउंडिंग कीजिए अपने अकाउंट को, लेकिन मेक श्योर कि आप उस दौरान अपने अकाउंट को पूरा साफ ना करें, ट्रेडिंग सही से करें। उसके लिए मैं फिर से बता रहा हूं, माइक्रो लेवल पे मैं जाऊंगा अगले पार्ट में, तो मैं आपको वो स्ट्रैटेजीज बताऊंगा किस तरह से आप ट्रेडिंग में अपने अकाउंट को साफ करने से बचा सकते हैं, राइट। नाउ अगला पॉइंट है, ट्रैक योर परफॉर्मेंस इन परसेंटेज नॉट इन अमाउंट। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर ये आप ध्यान पे नहीं बिठाएंगे, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो आपके कैपिटल से बहुत ज्यादा होती है, आप $100 के अकाउंट को सीधे डबल करना चाह रहे हैं, देखा जाए तो $100 से सीधा डबल होने का मतलब केवल $200 ही हो रहा है, राइट। लेकिन आप परसेंटेज में देखेंगे तो आपने कितना गेन किया, आपने 100% का गेन किया है, तब जाके आपने जो है अपने कैपिटल को डबल किया है। आप इमेजिन कीजिए कि कौन सा ऐसा सेक्टर है या कौन सा ऐसा ऑक्यूपेशन है जहां पर आप हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन या एक हफ्ते में या एक महीने में पैसे को डबल कर सकते हैं, कोई है क्या ऐसा? अगर आप म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा लगाते हैं तो वो साल का आपको रिटर्न देते हैं 10%, 15%, 20% या फिर किसी किसी केस में 30% मान के चलते हैं एक साल का। FD कराइए, साल का आपको रिटर्न मिलेगा 6-7%। तो आप अगर खुद ट्रेड कर रहे हैं तो आप अपने कैपिटल से डेली, हफ्ते में या फिर महीने में 100% रिटर्न कैसे चाह सकते हैं? ₹100 का आप डबल करने का मतलब है कि आप रिटर्न कितना लेना चाह रहे हैं, 100%। तो उसके लिए फिर आपको रिस्क भी उतना ही लेना होगा। सो इट्स बेटर कि आप 100% को बिल्कुल ध्यान से उतार दें। वही रीजन है कि आप मार्जिन ज्यादा यूज करते हैं और मार्जिन ज्यादा यूज करने पे ही अकाउंट साफ होते हैं। अगर आप छोटे ट्रेड लेंगे, माइक्रो ट्रेड लेंगे, माइक्रो लॉट लेंगे, ठीक है, तो आपका अकाउंट ब्लो नहीं होगा। आप लिख के ले लीजिए ये बात, सही तरह से स्टॉप लॉस लगाएंगे, 1% का रिस्क लेंगे तो आप स्टॉप लॉस के साथ साथ अपने कैपिटल को ग्रो कराएंगे। स्टॉप लॉस आपके कैपिटल को हटाने के लिए नहीं होता, इट्स लाइक कि आप जिस रॉन्ग ट्रेड में हैं वो स्ट्रेट से बचाएगा आपको, वो आपको दूसरे ट्रेड में इन होने का मौका देगा, राइट। सो मेक श्योर कि ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका परफॉर्मेंस जो है वो ट्रैकिंग होनी चाहिए परसेंटेज में। जैसे आप मैक्सिमम वीकली या मंथली रिटर्न लेना चाह रहे हैं तो मान के चलिए 10% का रिटर्न आप ले सकते हैं। 10% का मतलब है कि $100 के अकाउंट को आप
$110 पहुंचाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके पास अभी अकाउंट छोटा है गाइस, समझिए। एक टाइम आएगा जब आप बड़ा कमाएंगे, लेकिन उसके लिए अभी फिलहाल जो जो बेस है उसको तो आप स्ट्रांग बनाइए। अभी आपके पास कैपिटल ही $100 है, उसको आप डबल करने में सारा उड़ा दोगे तो फिर आप कंपाउंड कैसे कर पाओगे? कुल मिला के अगले 2-4-5 महीने के लिए अगर आपके पास $100 का अकाउंट है तो आप ये मान के चलिए कि आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। उसको हम सीखते हैं अगले जो है पॉइंट में, जो है स्टॉप ओवर ट्रेडिंग। अब ये जो मैंने फंडा बताया पिछले पॉइंट में, वो तब कम हो सकता है जब आप ये मान के चलें कि आपके पास ट्रेडिंग के लिए कैपिटल नहीं है, $100 से आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो तब आप क्या करेंगे, आप ट्रेड कम लेंगे, मतलब बहुत ऐसे ट्रेड लेंगे जो आपको बिल्कुल परफेक्ट सेटअप लग रहा है, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप आपको लग रहा है, वहां पर ट्रेड लेंगे। क्यों? अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, ओवर ट्रेडिंग करेंगे, तो एक में आप प्रॉफिट करेंगे, दूसरे में उससे ज़्यादा लॉस कर देंगे, फिर तीसरे में आपको फिर वो लॉस वापस भी तो लेके आना है, क्योंकि आपका $100 का जो अकाउंट था वो अब $80 का हो गया। अब आपको यार ये बात ठनक रही है माथे में कि अब मुझे जैसे तैसे वो $100 वापस लेके आना है, फिर आप दोबारा से ट्रेड करेंगे। ये इसको बोलते हैं मार्केट को चेज करना। जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो कभी भी मार्केट के पीछे नहीं भागता, वो केवल और केवल अपने टारगेट्स, जो एरियाज हैं, जोन एरियाज है, वहां पर प्राइस के आने का वेट करता है, या फिर अगर देखता है लैपटॉप उठाता है, चेक करता है चार्ट को 10-15 मिनट के लिए, कुछ जोन डिसाइड करता है कि यहां पर मुझे प्राइस चाहिए, देन मैं बाय या सेल करूंगा, वहां पर अलर्ट सेट करता है कि उसके फोन पे नोटिफिकेशन आ जाए अगर वहां पर प्राइस आता है, और उसके बाद लैपटॉप बंद। दुनिया में बहुत सारे काम हैं, केवल ट्रेडिंग पे ही आप जो है सुबह से लेकर शाम तक सिस्टम पे नहीं बैठ सकते ना। सो इट्स बेटर चार्ट को एनालाइज कीजिए, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप का आप वेट कीजिए, जिस जोन में प्राइस आपको आने पर आपको लग रहा है कि यहां से 90% या आपको लग रहा है कि यहां से चांसेस हैं कि प्राइस अपलिफ्ट होगा, उस जोन में आने का वेट कीजिए और अलर्ट लगाइए, उसके बाद छोड़ दीजिए, लैपटॉप बंद कीजिए, बाकी काम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, पढ़ाई कीजिए, दूसरा कोई बिजनेस देखिए, घूमने चले जाइए, अब तो लॉकडाउन खुल चुका है। लेकिन ट्रेड आपको तभी करनी है जब आपको लग रहा है कि ये एक परफेक्ट सेटअप है। अगर आप दिन भर ट्रेड करते रहेंगे तो आपका $100 का कितना ही बड़ा अकाउंट है वो आप खो देंगे, लेकिन आपके पास तो छोटा अकाउंट है जिसको खोने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सो स्टॉप ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग का मतलब यह है कि जब तक आपके पास एक बड़ा कैपिटल नहीं होता, तब तक आप ये मान के चलिए ये जो कैपिटल मैंने यहां पर डाला है ये ट्रेडिंग के लिए नहीं है, केवल तब ट्रेड करूंगा जब मुझे लगेगा कि हाँ दिस इज द सेटअप आई वॉज लुकिंग फॉर। तो ऐसे ट्रेडिंग में आप वीक्स में, महीने में, एटलीस्ट वीक में आप 1-2 ट्रेड देखिए, 2-3 ट्रेड से ज्यादा नहीं, महीने में मान के चलते हैं कि 8-10 ट्रेड, इससे ज्यादा नहीं, तब मैं कह सकता हूं कि वो एक सही ट्रेडिंग होगी, राइट? सो लास्ट जो पॉइंट है वो है सेट अ मैक्सिमम टारगेट पर डे। अगर आप फिर भी डेली ट्रेड करना चाह रहे हैं, ठीक है, डे ट्रेड सीखना चाह रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप एक दिन का टारगेट रखिए कि मैक्सिमम लॉस में इतना करूंगा और उसके बाद मैं सिस्टम बंद कर दूंगा। मान लेते हैं आपके पास $500 का अकाउंट है और आपने मैक्सिमम से मैक्सिमम एक दिन का सोच रखा है कि मैं $30 या $20 मैं लॉस कर सकता हूं, तो मेक श्योर कि वो $20 आपके हो सकता है कि आपके 2-3 ट्रेड्स का सम हो, जो कि अच्छी बात है, या फिर आपने एक ही ट्रेड में भी रिस्क लिया। तो मेक श्योर कि आपका जो मैक्सिमम लॉस होना चाहिए वो आपका जो जो मैक्स टारगेट सेट कर रखा है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मान लेते हैं आपने सेट कर रखा है $30 का लॉस पर डे, 500 का कैपिटल है, तो जैसे ही आपने $30 लॉस किया उसके बाद उस दिन आप ट्रेड नहीं करेंगे, कितना ही अच्छा सेटअप मिल रहा हो, कितना ही बेहतरीन बॉलिंजर बैंड आपको जो है इंडिकेशन दे रहा हो, कितना ही आपको बेहतरीन जो है आपका मूविंग एवरेज क्रॉसओवर या जो भी स्ट्रैटेजी आप यूज करते हैं, अगर आपको वो सिग्नल दे रहा है, स्टिल आप उस दिन ट्रेड नहीं करेंगे। इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन गाइस। अगर आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनेंगे तो शायद आप एक छोटे अकाउंट को
जो है एक बड़े अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मनी विल स्टार्ट फॉलोइंग यू गाइज, लेकिन आपको ये चीजें फॉलो करनी है। दैट्स इट गाइज फॉर दिस वीडियो। इसका नेक्स्ट वीडियो में माइक्रो लेवल पे वो सारी चीजें बताऊंगा जो आपके छोटे अकाउंट को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक स्मैश करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। सो विद दैट सेड, दिस इज योर कोच लास्टली स्पोकन साइनिंग ऑफ। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। हैप्पी trading.